फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम 15 नवंबर 2017 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्स आज जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑटोमेटिक डेली करंट अफेयर्स और जीएस के अपडेट मिलते रहें। और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक जरूर करें और इसको शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक पर ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें और उनको भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। पहला है सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज को हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, फिर एक न्यूज़ निकल के आई अपॉइंटमेंट की। तो सीबी जॉर्ज को स्विट्जरलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। जॉर्ज भारतीय विदेश सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं। और इसमें मुख्य बातें क्या हैं जॉर्ज के बारे में कि जॉर्ज सऊदी अरब में भारतीय दूतावास में उप प्रमुख भी रह चुके हैं। और सबसे मुख्य बात जो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जॉर्ज जो है किस मंत्रालय में काम कर रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में ये अभी कार्य कर रहे हैं। अब इसके बाद ये जो है स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, वहाँ के ये राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा पॉइंट है दुनिया का पहला पूरी तरह से विद्युत संचालित मालवाहक जहाज। देखते हैं ये किसने बना दिया। चीन ने दुनिया का पहला पूरी तरह से विद्युत संचालित मालवाहक जहाज लॉन्च किया है। और इस जहाज की विशेषता है कि 2 घंटे चार्ज करने के बाद 2000 टन माल लेकर यह 80 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। और एक और मुख्य बात है कि ये चीन के ग्वांगझाओ शिपयार्ड द्वारा विकसित किया गया है। तो आपके लिए बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में दुनिया का पहला पूरी तरह से विद्युत संचालित मालवाहक जहाज किसने लॉन्च किया है, तो चीन याद रखिएगा। और चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है और चीन की मुद्रा युआन है, जिसको रेन मिनबी भी बोलते हैं। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, ये दूसरी बार वहाँ पे नवनियुक्त हुए हैं अभी। तो एक बार फिर से ये दोबारा चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि हाल ही में चीन के दोबारा राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो शी जिनपिंग। ठीक है, कहीं कहीं जी जिनपिंग भी लिख के आता है, XIX। ठीक है, तीसरा है गीना मिलर। ये क्यों चर्चा में है और कौन है, देखते हैं। भारतीय मूल की गीना मिलर को हाल ही में ब्रिटेन की सबसे प्रभावशाली अश्वेत महिला के रूप में चुना गया है। तो देखिए, एक और मुख्य बात निकल के आई कि एक भारतीय मूल की महिला है गीना मिलर, इनको ब्रिटेन की सबसे प्रभावशाली अश्वेत महिला के रूप में चुना गया है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मिलर को यह सम्मान उस कानूनी लड़ाई को जीतने के लिए दिया गया है जिसमें उन्होंने संसदीय अनुमति के बिना ब्रेक्सिट की प्रक्रिया शुरू करने से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे को रोका था। देखिए, इन्होंने सीधे सीधे पंगा ले लिया था ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे से। तो यहाँ दो चीज़ें निकल के आती हैं कि जो गीना मिलर हैं ये ब्रिटेन की सबसे प्रभावशाली अश्वेत महिला चुनी गई हैं। और इनको इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने संसदीय अनुमति के बिना ब्रेग्जिट की प्रक्रिया शुरू करने से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे को रोका था। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, गीना मिलर कौन है। गीना मिलर एक प्रचारक है, इन्होंने बेस्ट फॉर ब्रिटेन अभियान में एक प्रमुख प्रचारक की भूमिका निभाई थी। देखिए, इनका तस्वीर भी लगा दिया है मैंने ताकि आपको इनको पहचान मिले। चौथा पॉइंट है दोस्तों भारत और फिलीपींस। देखते हैं इनके बीच कौन से रिलेशन विकसित हुए हैं। भारत और फिलीपींस ने रक्षा और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या है कि भारत और फिलीपींस ने हाल ही में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, तो 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, उनमें से एक है रक्षा और सुरक्षा। अब थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में देखते हैं, फिलीपींस बहुत ही चर्चा में है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा पेसो है और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं रोड्रिगो दुतर्तो हैं। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि आजकल जो है करेंसी भी पूछ लेता है एग्जाम में कि किस कंट्री की कौन सी करेंसी है, कौन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, कौन सी वहाँ की राजधानी है। तो राजधानी, मुद्रा और राष्ट्रपति, 3 चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़। अब देखते हैं राहुल द्रविड़ क्यों चर्चा में है। बेंगलुरु FC ने भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो राहुल द्रविड़ जो हैं ये बेंगलुरु FC का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, इसलिए चर्चा में हैं। तो याद रखिएगा आप, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है। ये भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान भी रह चुके हैं। छठा है 37वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। 37वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
यानी कि 37th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2017 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। तो इस लाइन में दो चीज़ें न्यू इम्पॉर्टेंट है कि ये 37वां मेला है, ठीक है, और ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है, ठीक है। तो यानी कि इसका आयोजन स्टार्ट हो गया है। अब इसका उद्घाटन जो है रामनाथ कोविंद ने किया है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, और इसकी थीम दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी सम्मेलन की या फिर किसी भी आयोजन की जो थीम होती है वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है और पूछता भी है। तो इसकी थीम है स्टार्टअप स्टैंडअप, और इसकी पार्टनर कंट्रीज जो हैं वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी दोस्तों हनोई है, और फोकस कंट्री जो है किर्गिस्तान है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, पार्टनर कंट्री वियतनाम और फोकस कंट्री किर्गिस्तान। और ये 37वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। नेक्स्ट है सईद अजमल। पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अजमल ने पाकिस्तान क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, और मुख्य बात है कि ये पाकिस्तानी स्पिनर थे। तो आपसे बस इतना पूछा जाएगा सईद अजमल कौन है, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और ये वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ये स्पिनर थे यानी कि बॉलर थे, तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। अब सबसे मुख्य बात है कि ये दूसरी आधिकारिक भाषा की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की है, तो यह परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत की जाती है, जिसमें राज्य की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। तो अनुच्छेद 345 याद रखिएगा, इसके तहत जो है उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री याद रखिएगा चंद्रशेखर राव हैं, तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हा राव हैं, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। नवा है आदिवासी उद्यमिता शिखर सम्मेलन। ये देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आया है एक पॉइंट, भारत का पहला आदिवासी उद्यमिता शिखर सम्मेलन छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा में आयोजित किया गया। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पूरी की पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत का पहला आदिवासी सम्मेलन है ये, ठीक है, और ये आदिवासी उद्यमिता शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया उसका स्थान है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जो दंतेवाड़ा है, और दंतेवाड़ा दोस्तों नक्सलाइट एरिया है, यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये, ठीक है। तो दंतेवाड़ा याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा में ये आयोजित किया गया। और मुख्य बात है कि जो ये आयोजन हुआ नीति आयोग और USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से हुआ है। और ये अगर आप देखा जाए छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों रायपुर है, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल वर्तमान में बलराम दास टंडन है। तो राज्यपाल का नाम याद रखिएगा बलराम दास टंडन, और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा डॉक्टर रमन सिंह हैं। भारत सरकार के जनजाति मामले के केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका नाम याद कर लीजिए, जुआल ओराम, ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से सांसद हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण निकल के आए हैं। तो ये याद रखिएगा आप, आदिवासी उद्यमिता शिखर सम्मेलन जो है भारत का पहला सम्मेलन जो है इसका छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा में आयोजित हुआ। 10वां है इंडिया 2028। अब ये इंडिया 2028 क्या आ गया, हमने अभी तक इंडिया 2020 सुना था। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और यह जापान का स्थान ले लेगा। देखिए इसका मतलब ये निकल के आता है इससे कि जापान वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और एक सबसे मुख्य बात आती है यहाँ पे कि ये घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा की है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। तो याद रखिएगा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुसार जो है भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये किसका स्थान लेगा ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, तो ये जापान का स्थान लेगा। और सबसे मुख्य बात है कि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने इसे इंडिया 2028 नाम दिया है, तो इंडिया 2028 का मतलब यही है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की स्थापना जो है 1 जनवरी 2009 को हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। तो सारे के सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो गए इंडिया 2028 के, तो आप याद रखिएगा इंडिया 2028 जो है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के अनुसार
जो है भारत की जो भारत के लिए अनुमान लगाया इसने कि भारत जो है 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो उसको इसने एक नाम दिया है इंडिया 2028। 11वां पॉइंट है राष्ट्रीय पावर पोर्टल। भारत के पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आरके सिंह ने राष्ट्रीय पावर पोर्टल एनपीपी यानी कि नेशनल पावर पोर्टल शुरू किया है, जो भारतीय विद्युत क्षेत्र में की स्थापना के मिलान और प्रसारण के लिए एक केंद्रीय मंच है। तो एनपीपी यानी कि राष्ट्रीय पावर पोर्टल जो है, यानी कि नेशनल पावर पोर्टल जो है, ये हाल ही में लॉन्च किया है आरके सिंह ने। और इस पोर्टल का नाम है दोस्तों npp.gov.in। अभी मैंने इस साइट को खोला था, काम कर रहा है बिल्कुल, आप भी इसको चेक कर सकते हैं npp.gov.in को। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर का सेशन नहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पे, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और उनको भी कहिए कि वो डेली करंट अफेयर सेशन से जुड़ें, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा वीडियोज़ बनाने में, और मैं उतनी ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहूँगा आपको। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि स्टूडेंट की संख्या बढ़े और मुझे पढ़ाने में मज़ा आए। तो ये वीडियो ही समाप्त होता है, कल मैं फिर करंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। थैंक यू।